अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच वाली यूट्यूब वीडियो बनाएं और उसके लिए आप वॉइस ओवर कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज करते हैं उसमें आपको 104 विंडो 10, ठीक है, एक आता है एमएस ऑफिस वाला 10, वो वाला नहीं, 104 विंडो 10, ये सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको क्या करना है अपने पीसी में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में या अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों काम दोस्तों जब आपका हो जाएगा, यानी कि जब आपका ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है उसे दोस्तों आपको क्या करना है, एमएस वर्ड में टाइप कर लेना है। हमने ये वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे टाइप किया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, वेबसाइट से कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट कर लेना है और इसे दोस्तों आपको थोड़ा सा सजा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, बीच में क्लिक करेंगे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो आपको माइक का आइकन दिख रहा है इसके बगल में ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपको MME ही रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको MME रखना है और यहाँ दोस्तों आपको क्लिक करना है और नीचे वाला ऑप्शन जो है स्टीरियो मिक्स, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो रिकॉर्डिंग वाली सॉफ्टवेयर है वो हमारा तैयार है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने पीसी में आपने जो डाउनलोड किया है 104 विंडो 10, ठीक है, उसे आपको ओपन करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जब हम अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ भी जो है एक 10 आता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 104 विंडो 10 की, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लेना है, ठीक है। और देन दोस्तों आप यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस बार ये पेस्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ऑडासिटी में आएंगे, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद आप ऑडासिटी में आएंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे और उसके बाद आप इसे मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें होगा वो ऑडासिटी रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इमर्सिव रीडर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इमर्सिव रीडर के ऊपर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकेंडों के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बुक जैसा आइकन आपको दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां क्लिक करेंगे, अगर ये कंटेंट हिंदी में है तो आप यहां से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं और यहां पे मैं हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे ये हिंदी मिल जाएगा, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है और उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो सेटिंग मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कितना स्पीड चाहिए, ठीक है, जो बोलने की स्पीड होती है वो कितना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो वॉइस चाहिए वो मेल का चाहिए या फीमेल का चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ से मेल या फीमेल जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर लेंगे और देन दोस्तों आप साइड में क्लिक कर देंगे, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपको यहां पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां पे ये जो प्ले लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने, अब देखिए यहां पे हम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे की ऑडासिटी में जो है ये सारी चीजें रिकॉर्ड होने लग जाता है। दोस्तों आप अगर ऑडासिटी से 10 पे जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ टैप प्रेस करेंगे। अगर आपको
OneNote से Audacity में जाना है तो वापस से Alt के साथ Tab प्रेस करेंगे, यानी कि Alt और Tab के साथ दोस्तों आप जो है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्ले करूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, Alt Tab प्रेस करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे रिकॉर्ड हो रही है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, बट ये जो है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों इस ऑडियो फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इधर जो है वन नॉट हमारा रेडी है, यहाँ से मुझे रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं Audacity में जाऊँगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा और देन दोस्तों Alt Tab प्रेस करके मैं वन नॉट में जाऊँगा और यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँगा, यानी कि बोलना स्टार्ट कर दूँगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, वन नॉट में जाता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। एशिया कप 2023 के सुपर चार के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मंगलवार 12 सितंबर को भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है स्टॉप कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसे पूरा रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आपको सिर्फ समझाना है, सिखाना है, इसलिए दोस्तों यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया। अब दोस्तों Alt Tab प्रेस करके मैं Audacity में जाऊंगा और यहाँ से दोस्तों मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको ये जो आइकन आपको दिख रहा है जूम का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ये टूल आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके और देन दोस्तों आप यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है, ठीक है, शिफ्ट की को प्रेस करके माउस से इस टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करना है, तो इस तरह से ये जूम इन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को सेलेक्ट करके इसे कर देंगे डिलीट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको बार दिख रहा है आपको इसे पकड़ना है और इसे दोस्तों आपको इस तरफ सरका लेना है और देन दोस्तों यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है और इसे भी दोस्तों आपको कर देना है डिलीट। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है ऑडियो रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा एडिट करना है, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह डालना है ताकि दोस्तों हम इसे और इंटरेस्टिंग बना सकें और इफेक्टिव बना सकते हैं और जिससे कि दोस्तों हमारा जो रीयूज कंटेंट का जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच वाली वीडियो पे जो रीयूज वाली प्रॉब्लम आती है या और भी तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, वो यही गलती होता है कि वो टेक्स्ट टू स्पीच तो बना लेते हैं लेकिन उस ऑडियो को वो एडिट नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आपको ऐसा गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से आपको टेक्स्ट टू स्पीच बना लेनी है और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस ऑडियो को थोड़ा सा एडिट कर लेना है। एडिट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इस ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करेंगे, देन दोस्तों आप इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों इसे नॉर्मलाइज कर लेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइज कर लेंगे, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉर्मलाइज होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक इक्यू मिलेगा, ग्राफिक इक्यू में जाना है और देन दोस्तों आप मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट में जा करके आपको क्या करना है, यहाँ से बेस्ट बूस्ट अप्लाई कर देना है और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें जो है थोड़ा सा बेस इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, वापस से आपको ग्राफिक इक्यू में जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको मैनेज में जाना है, फैक्ट्री रीसेट में जाना है। फैक्ट्री रीसेट में जाने के बाद दोस्तों इसमें ट्रबल बूस्ट इफेक्ट अप्लाई कर देना है, इसे दोस्तों आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहें तो कर लेंगे और उसके बाद आप ट्रबल बूस्ट इफेक्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई, पहले नॉर्मलाइज किया, उसके बाद इसमें बेस ऐड किया, उसके बाद दोस्तों इसमें ट्रबल बूस्ट ऐड किया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और देन दोस्तों इसमें लिमिटर का ऑप्शन मिलेगा, आपको लिमिटर में जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें हार्ड लिमिटर अप्लाई कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको इसे रखना है -5.30, ठीक है, ये आपको इसमें रख लेना है और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो ऑडियो है ये बिल्कुल एडिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करनी है। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसे छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, इस तरह से मिनिमाइज करेंगे।
उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने जो है एक क्रिकेट न्यूज जैसा एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड किया है, अगर आपको ये चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पे टाइमलाइन में ला करके इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। और देन दोस्तों अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ तक हमारा ऑडियो है तो दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहीं तक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे देखिए येलो लाइन आ रहा है, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है इसको ऊपर लेकर के जाना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है मूव ट्रैक अप। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा। देन दोस्तों ये जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटो डक, ठीक है, ऑटो डक इफेक्ट अप्लाई कर देना है। और देन दोस्तों आपको यहाँ पे 20 सेकेंड, यहाँ भी 20 सेकेंड और यहाँ पे दोस्तों 20.20 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, चलिए 22 हमने रख लिया और उसके बाद दोस्तों ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी लग जाएगा। जब दोस्तों इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। कैसा हुआ इसकी क्वालिटी, किस तरह से सुनाई देता है, आइए दोस्तों मैं आपको एक बार इसे सुना करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पहले तो इस ट्रैक को जूम कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं आपको सुनाना शुरू करता हूँ। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने श्रीलंका को एक। तो दोस्तों आपने सुना कि ये जो ऑडियो है वो कितना जो है अच्छा बन गया है। ठीक है, तो इस तरह की ऑडियो दोस्तों आपको कोई अदर वेबसाइट या कोई अदर सॉफ्टवेयर बना करके नहीं दे सकता है। ये चीजें दोस्तों आप जो है खुद से मैनुअली ही कर सकते हैं। और ये कैसे करना है ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में आपको क्या करना है, इस ऑडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद दोस्तों एक्सपोर्ट एज ए वेव, ठीक है, आप चाहें तो एक्सपोर्ट एज ए MP3 भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एज ए वेव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और देन दोस्तों इसे आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों आप इसका कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया। उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और देन दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके डिलीट बटन से वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है। और इस तरह से करके दोस्तों आपका ये जो है ऑडियो रेडी हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये हमारा काम हो गया है, अब इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फाइनल वीडियो बना है वो कैसा बना है। ICC नाम से हमने सेव किया है, हाँ यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो है ऑडियो बन गया है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट टू स्पीच वाली वॉइस ओवर है वो ये बन गई है। अब दोस्तों मैं आपको इसे सुनाता हूँ। ठीक है, एशिया कप 2023 के सुपर 4 के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मंगलवार 12 सितंबर को भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया 49.1 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका का टीम 41.3 ओवर में 172 रन पर आउट हो गई। इस जीत